पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में आपसी झगड़े के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान प्रदीप सिंह उर्फ प्रिंस के रूप में हुई है। प्रिंस ने निहंगों का चोला पहना हुआ था। वारदात दरअसल देर रात कीरतपुर साहिब के पास बने श्री आनंदपुर साहिब के प्रवेश द्वार की है। प्रिंस पर तेजधार हथियार से चलती बाइक पर पहले हमला किया गया, इसके बाद फिर तेजधार हथियारों से वार किया गया। पूरी तरह से घायल युवक को रोपड़ सिविल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस दावा कर रही है कि उसने हथियारों की पहचान कर ली है। निहंग का चोला पहने प्रदीप सिंह उर्फ प्रिंस तलवार की चोट से इस कदर घायल हो चुका था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, वो बचने के लिए भाग रहा था, लेकिन उसके पैर उसका साथ देने से इनकार कर चुके थे। पीछे पीछे भीड़ चली आ रही थी, उसी भीड़ में कुछ फ्रीडम ऐप से सीख कर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। थे जिन्होंने इस युवक का कत्ल कर दिया। वारदात देर रात करतारपुर साहब के पास बने श्री आनंदपुर साहब के प्रवेश द्वार पर हुई। आसपास सैकड़ों लोग जमा थे, शोर कर रहे थे, लेकिन इस युवक की मदद के लिए कोई नहीं आया और लड़खड़ा कर ये युवक जमीन पर गिर पड़ा। इसके आगे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। आए मैं की करा गल्ला, आए आडे पुत्र दा कसूर दसन भी कसूर की है, आए आए रब्बा ओए, आए आए रब्बा आए रब्बा, सरकार को इंसाफ मांगना कि आडे पुत्र दी गलती दसो की है। इस युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने होला मोहल्ला में हिस्सा लेने आ रहे कुछ लोगों को अश्लील गाने बजाने और हुड़दंग करने से रोकने की कोशिश की, और उसका सिला उसे ये मिला कि हुड़दंगियों ने इसे पीटना शुरू कर दिया। इस पर तलवारों से हमला किया, जिसे जहां जैसे मौका मिला उसने प्रदीप को पीटना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि धार्मिक पर्व में शिरकत करने के लिए कनाडा से आया ये युवक मिट्टी पर गिर गया, और ऐसा गिरा कि फिर उठ ही नहीं सका। इस घटना के बाद प्रदीप के घर पर मातम है। माँ को यकीन नहीं हो रहा कि जो बेटा कल तक आंखों के सामने था, आज उसकी मौत हो चुकी है। परिवार का हर शख्स गमगीन है। शामी को शरारती अंसर सी बाजार गया सी, ओथे उन्होंने अश्लील गाने ला के पटाके मरवांदे, किसी ने इन्नी गल कही तुसी गुरु घर आए हो, ओ चज दे गाने लाओ, तुसी की लैण आए हो, केड़ी जगह ते आए हो। ਉਹ ਜਵਾਨ ਭੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਕੇ 15-20 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਿਰਚ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਿਰਚ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, जिस जगह पर प्रदीप को सरेआम मारा गया वहां पर होला मोहल्ला की तैयारी चल रही थी। हजारों लोगों की भीड़ मौके पर थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी प्रदीप को बचाने की कोशिश नहीं की। प्रदीप के पास कनाडा की नागरिकता थी, लेकिन अपनी मिट्टी का प्यार उसे वापस पंजाब खींच लाया। प्रदीप ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस भरी भीड़ में से उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। रोपड़ पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दावा किया जा रहा है कि मुख्य आरोपी की पहचान की जा चुकी है। ते हुण तक दी तफ्तीश विच जिहड़ा अक्यूज्ड हैगा ओह आइडेंटिफाई हो चुका हैगा। निरंजन सिंह पिंड नौहती नूरपुर बिद्दी दा रहण वाला लड़का है, जिहदे नाल कि इहदी लड़ाई हुई, जिस करके कि इह लड़का प्रदीप सिंह जिहड़ी हैगा इहदी डैथ हुई है। इत्थे मैं क्लैरिफाई करना चाहवांगा वी जिहड़ा प्रदीप सिंह हैगा, इहने उस समय दे उप्पर जिस समय लड़ाई हुंदी उस समय पर इक निहंग दा बाणा पाया होया सीगा। इह वैसे अदरवाइज़ इक PR इहदी PR हैगी है, इह कैनेडा तो वापस आया सी, फरवरी विच ही वापस आया है। इह टैटू बनाउण दा काम जिहड़ा हैगा इत्थे इस टाइम दे उप्पर इहदी फैमिली दे मुताबिक इस टाइम सिख रहे। तो हूँ तक तफ्तीश में सर आप होर भी जी फुटेज वगैरह आई हैं, वो बेस उपर असं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं भी होर कि बंदे इस लड़ाई के।
प्रदीप की मौत की खबर के बाद से ही घर में मातम पसरा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। वहीं मेले में आए लोग हैरान हैं। हर साल होला मोहल्ला के मौके पर सिख पंथ के लोग आनंदपुर साहब आते हैं और यहाँ पर पारंपरिक युद्ध कौशल दिखाया जाता है, लेकिन इस बार जिस तरह से प्रदीप की हत्या हुई है उससे पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। सवाल मान सरकार पर भी उठने लगे हैं। एक भीड़ समूह इकट्ठा हो तमाशबीन बन के तुसी देखी जाओ तो एक सिख नौजवान जेड़ा उसनु कुट के मार दिता जावे, वो भी वो नौजवान जेड़ा होनहार बच्चा जिसने PR ली हुई सी कनेडा दी ते इत्थे आया सी तख्त केसगढ़ साहब विच ते उस दे नाल इहो जिहा हादसा वापरिया ते इस संबंध दे विच सानू सारिआं नू मिल के यतन करने पैणगे। सुहिरद सिख नौजवानां नू साडे पंजाबीआं नू मेरी बेनती है कि इह जदों घटना वापरदी है तां उसदा असर जेड़ा वो देश दुनिया के उत्ते किस तरीके नाल जांदा वो आपां नू सारिआं नू सोचना चाहिए। होला मोहल्ला के मौके पर हुई इस वारदात ने सभी को सन्न कर दिया है। पुलिस के सामने चुनौती है कि वो प्रदीप के परिवार को इंसाफ दिलाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।